किसानों के लिए संघर्ष करने वाले ऐसे जाने माने नेता आदरणीय शरद जोशी जी हमारे मध्य में हैं, जो किसानों की आवाज को निरंतर उठाते रहे हैं, विभिन्न मंचों से बड़े बड़े आंदोलन किसानों के विभिन्न क्षेत्रों में करते रहे हैं, श्वेतकारी संगठन के माध्यम से। अभी भी महाराष्ट्र में इनका विशेष रूप से संगठन चल रहा है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वह आए और किसानों की जो मांगे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, उनको आज इस मंच से आवाज दें। आदरणीय श्री शरद जोशी जी, आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में आदरणीय श्री शरद जोशी जी। दो या तीन हफ्ते पहले मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि महाराष्ट्र के यात्रा पर जाने वाले स्वामी जी, उनका व्यस्त कार्यक्रम थोड़ा ढीला ढाला करके मेरे कोठी पे पधारे और उन्हें मुझे निमंत्रण दिया कि 9 अगस्त को दिल्ली में जो रैली होने वाली है उस रैली में मुझे आना है। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं जरूर आऊँगा और मेरे साथियों को भी लेके आऊँगा, लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि समय के साथ मैं कुछ अपंग सा बन गया हूँ। अगर स्वामी जी इसका कोई योगिक इलाज कर सकते तो मुझे बहुत खुशी हो जाती। उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को और आपके कार्यकर्ता आपको उठा के यहाँ लेके आएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ स्वामी जी कि किसी को उठा कर लाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने जो ऊर्जा पैदा की है उसी के कारण मैं आपके सामने आ पहुँचा। आपके सामने, आपके नेतृत्व में जो एक जन सैलाब उमड़ उठा है उसको देख के मुझे याद आ रही है 30 साल पहले एक हमने की हुई रैली की, जिस रैली में भाग्यवश हरिओम पवार जी भी हाजिर थे, उन्होंने कुछ अपनी शायरी भी पेश की थी। उस समय जो मंच था वो मंच विजय चौक के पास था और पूरे इंडिया गेट तक सारा खटाखट भरा हुआ, किसानों से भरा हुआ, किसान और किसान महिलाएं। अब इसके बाद में ये हुआ कि 89 में ये जवान और किसान, किसान जवान सम्मेलन हुआ। मैं हमारा नारा उस समय था कि जवान को पहले दिन जो तनख्वाह मिलता है वही तनख्वाह किसानों के मजदूरों को भी मिलना चाहिए। ये सादा सिंपल फॉर्मूला था और ये अच्छी बात। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हरिद्वार के किसान पंचायत में मैंने ये कहा था कि रामदेव बाबा जी हमारे नेतृत्व करेंगे, वही हमारे नेता रहेंगे। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ये सारा जन सैलाब और जन रैली के बाद 10 साल तो नहीं लगेंगे, आपका प्रोग्राम तो 3-4 दिनों का ही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए जो लोग शहीद हुए उन शहीदों का सपना पूरा करने के लिए जो जो काम आप करेंगे वो हम आपके साथ में रहेंगे। इतना ही नहीं तो आपके हमारे नेता के रूप में मैं आपको शायद हरिओम पवार जी भी कुछ घबराए थे, गलत गए, वो बोला नहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से, लेकिन मैं आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। इसलिए कि एक बार पहले एक सन्यासी, एक स्वामी हिंदुस्तान में घूमने वाला भी किसानों के नेता के रूप में आ जाए। ये आपके हमारा समर्थन आपको आपके पीछे रख के मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जब आप गुजरात से आए, बाकी दुर्भाग्यवश मुझे गुजरात वापस जाना है, इसलिए कि हमारे एक बड़े बुजुर्ग कार्यकर्ता विपिन देसाई का देहांत कल ही हो गया, उसके लिए मुझे गुजरात वापस जाना है। तो मैं आगे के कार्यक्रम में वहाँ से तो आत्मा मेरा वो आपके साथ होगा और जो साथी मेरे है वो कल के कार्यक्रम में भी पूरी तरह से हिस्सा लेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, आप उनको उचित समय देंगे, ऐसे आशा रख के मैं आपसे सबसे विदा चाहूँ। मेरी माँ शेरों वाली है, आदरणीय शरद जोशी जी के इस उद्बोधन के बाद, किसानों की आवाज को स्वर देने के बाद, आइए यह भारत माँ किस प्रकार के शेर पैदा किए इस भारत माँ ने, आइए इसको सुनते हैं भाई हरि जी से। महाराणा प्रताप, शहीद आजम भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज और अनेकों अनेक उन वीरों को नमन करते हुए, शहीदों को नमन करते हुए जिन्होंने स्वराज्य की वीर गाथा और इस राष्ट्र को स्वराज्य की के पाठ को पढ़ा, उन सबको नमन करते हुए भाई हरि जी।